रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। घर वाले ही रिक्शा से ले गए कोरोना संक्रमित का शव। एम्बुलेंस न मिलने पर एल2 कोविड हॉस्पिटल से एक कोरोना संक्रमित के शव को घर वाले मजबूरी में ही रिक्शा से ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही हड़कंप मच गया, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन इस बाबत पूरी तरह से चुप्पी साधे रहा। कोरोना संक्रमित रेलकोट स्थित कोविड अस्पताल में आज एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। घर वाले काफी देर तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। जब एम्बुलेंस न आई तो घर वालों ने एक ही रिक्शा किराए पर किया और शव उसी से ले जाने लगे। इसी बीच मुख्य गेट से बाहर निकलते समय किसी ने इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो में ही रिक्शा से ले जाए जा रहे शव के साथ घर के दो सदस्य भी थे, उसमें एक महिला थी। रिक्शा पर रखा गया शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सीलबंद भी नहीं दिख रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इस बाबत अस्पताल प्रबंधन से मामला जानने की कोशिश की गई, लेकिन प्रबंधन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। शव लालगंज क्षेत्र की एक महिला का बताया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजीव गौतम का कहना है कि शव को उसके परिजन अपनी स्वेच्छा से ले गए हैं, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पाए कि जब कोरोना संक्रमित का शव घर वालों को न देकर सीधे शमशान घाट ले जाने का नियम है, तो घर वालों का शव क्यों सौंपा गया। शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों उपलब्ध कराई गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मरीजों के साथ उनके सहायक भी हमेशा बने रहते हैं, किसी बात से मना करने पर विवाद के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत हस्तक्षेप नहीं करते। किसी मरीज की मृत्यु होने पर शव को सुरक्षित करके परिवार वालों के हवाले करके बाहर रखवा कर एम्बुलेंस के प्रतीक्षा करने के लिए बोल दिया जाता है। अस्पताल में दो ही एम्बुलेंस होने से प्रायः देर होने पर कुछ लोग जल्दी के कारण अपना शव लेकर खुद ही चले जाते हैं। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें व खबर हो आगे आप लोग और ग्रुपों में शेयर करें। रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। घर वाले ही रिक्शा से ले गए कोरोना संक्रमित का शव।